हम लोग जो है क्या हम लोग इससे पहले जो है ये सब क्वेश्चन लगा चुके हैं, बनाए हुए हैं और सारा क्वेश्चन बन चुका है हम लोग से। और आज हम लोग भाग के इधर वाले टर्म को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक बोर्ड मास में भाग तक तो कंप्लीट कर लिए हम लोग। हाँ जी, अब भाग से पहले ऑफ, फिर बड़ी ब्रैकेट, निचली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, ये सब का क्या फंडा है, सारे को अच्छे ढंग से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर बन गया है तभी इस लेक्चर को कंप्लीट करना है आपको, वरना पहले बनाना है। 15 क्वेश्चन बन गया होगा और उम्मीद करते हैं बढ़िया मार्क्स आया होगा। हाँ जी, उम्मीद क्या करना, वो तो हम देख ही लेंगे क्या मार्क्स है आपका। चलो जी, हम लोग आगे देखेंगे ना। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, अब ऑफ, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर ये बार, इसका क्या फंडा है, सबको अच्छे ढंग से देखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑफ में देखेंगे। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इतना समझ के चलना, लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई है जो भाग से भी पहले होगा। हाँ जी, वो समझना है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6 ऑफ 6 मल्टीप्लाई 3, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले हम लोग को ऑफ का क्रिया करना है। ठीक है, पहले किसका क्रिया, ऑफ का, इतना तो पता है ना, ऑफ मतलब गुणा ही हुआ, लेकिन पहले होगा, मल्टीप्लाई से पहले होगा, इसका मतलब यहाँ पर 6 और 6 का मल्टीप्लाई ही करते, तो 6 6 36, फिर मल्टीप्लाई 3 उतारो, आराम से 36 गुना 3 करने करना है, क्या हो जाएगा, 160 हो गया। कहीं कोई समस्या है? नहीं जी, इस तरह बड़े आराम से सारे क्वेश्चन को करना, अगर इस प्रकार रहेगा वो समझना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार है 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 और -2, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो किस प्रकार से सॉल्व करना है वो समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या कहीं कोई समस्या है? अगर समझ में नहीं आता एक पेंसिल रखा करो, इसे इस तरह डिनोट किया करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है, नया नया है, समझ में अगर नहीं आता, पहले पेंसिल से डिनोट कर देंगे, हाँ इसको सॉल्व करना है, उसी को सॉल्व करेंगे। अब 6 और 2 है, मल्टीप्लाई 12 हो गया। अब माइनस होगा या प्लस होगा उसको देखना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों का चिन्ह मुखरा अलग अलग है, इधर प्लस माइनस बराबर नहीं है। जब चिन्ह अलग अलग हो जाए तो सिंपल सा आंख बंद और माइनस लगा देना। ठीक, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, तो माइनस आ गया। इसके अलावा सबको उतार दो, इस साइड सबको उतार दो, यहाँ -3 तो -3, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, 6 तो 6 उतार लिए। आज अब देखो ऑफ का काम खत्म, हम लोग देखते चलेंगे। ऑफ हो गया, ऑफ के बाद क्या भाग है, भैया भाग नहीं है, क्या गुना है, हाँ गुना है, तो गुना की क्रिया करेंगे। ठीक, गुना में ये टर्म आ रहा है, पेंसिल से डिनोट कर दी, हाँ ये टर्म गुना करना है। ठीक, अब 6 और 3 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो गया। अब माइनस हो गया प्लस होगा उसको समझना है, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ, यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, अगर सेम चिन्ह नहीं रहेगा, अलग अलग मतलब सेम रहेगा तो हम लोग प्लस लगाते हैं, आपको पता है माइनस गुना माइनस प्लस होता और प्लस गुना प्लस प्लस होता, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब प्लस गुना माइनस आपका माइनस हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भैया जी ध्यान में रहेगा, रहेगा ना ध्यान में, हाँ जी। इसके अलावा सबको उतार दो, इस साइड सिर्फ और सिर्फ -12 बचा, आराम से लिख लिए। अब यहाँ माइनस और माइनस है, भैया जी क्या करे, क्या माइनस माइनस प्लस कर दे क्या, अरे मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई और बहन, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई रहेगा तब ना गुना करेंगे तो प्लस में होगा, इस बात को समझना। यहाँ पर क्या है, मतलब एक टोकरी है उसमें 18 को माइनस है और 12 को माइनस है, माइनस समझ में नहीं आता ना, तो एक सेब समझो, 18 को सेब और 12 को सेब, कितना सेब, तो बोलोगे भैया जी 30, हाँ टोटल 30 सेब, मतलब टोटल 30 माइनस हो गया। ये बातें समझ में आ रही है, दोनों का चिन्ह माइनस था, अगर दोनों का चिन्ह प्लस रहता तो क्या करते, यहाँ पर भी प्लस रहता यहाँ भी प्लस रहता तो क्या करते हम लोग, सिंपल सा दोनों का चिन्ह प्लस में है तो जोड़ करके यहाँ पर प्लस ही आता, क्योंकि दोनों का चिन्ह यहाँ पर क्या है माइनस है ना, तो जोड़ करके दोनों का चिन्ह यहाँ पर रिजल्ट जो है वो माइनस में ही आएगा, इस बात को समझना है। ठीक है, अगेन कुछ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन इतना बनाएंगे ना, प्रैक्टिस इतना करेंगे, देखो हम लोग में मतलब आप में ही सिर्फ यही कमी है, प्रैक्टिस का कमी है, प्रैक्टिस अगर अच्छे से करोगे ना, कभी कोई सा बोर्ड मास का सवाल आ जाएगा वो आपसे बनेगा, इतना आप श्योर रहना, प्रैक्टिस की कमी और कुछ नहीं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करते चलना है और प्रैक्टिस कर, और ये सब क्वेश्चन रुकना है, अभी थमना है, अपने आपको थामना है, हम वो सब क्वेश्चन लगाएंगे लेकिन सब सीखने के बाद, इतना ध्यान में रखना। ठीक, जैसे यहाँ 6 प्लस 7 माइनस 6 भागा 2 और मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 ऑफ -2, इतना लंबा चौड़ा ले लिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, पहले कहीं पर क्या ब्रैकेट से आ रहा, भैया ब्रैकेट तो नहीं है, क्या ऑफ आ रहा, हाँ भैया ऑफ आ रहा, तो पेंसिल लेंगे और यहाँ पर टिक लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक, अब हम लोग इसी को सॉल्व, इसको आप बार मत समझ लेना ये वाला, हाँ जी बस समझने के लिए मैं लगवा रहा हूँ, ठीक, वरना आप खुद से समझने का प्रयास करना,
पहले यहाँ पर माइनस छह है, ऑफ है और माइनस दो है, माइनस को भूल जाओ ना, अधिक मत भूलना, थोड़ा देर के लिए भूलना है। यहाँ ऑफ है तो मल्टीप्लाई करना होगा, छह और दो का मल्टीप्लाई 12 हो गया, ठीक। यहाँ दोनों में माइनस है, दोनों में एक जैसा सिंबल है, सिंबल मिल रहा है, दोनों में माइनस है, मतलब जब चिन्ह मिलेगा तो प्लस होगा। अगर दोनों में, मैंने बताया था ना, माइनस गुना माइनस प्लस होता, या फिर प्लस गुना प्लस प्लस होता, उसके अलावा सब में आपका सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझो अच्छे ढंग से, उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। क्या दोनों का चिन्ह अगर मुखड़ा मिल रहा है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, और इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। ऐसा नहीं भैया आपने सिखाया था क्या, माइनस सिक्स माइनस टू दोनों का चिन्ह, यहाँ पर माइनस आठ भी आ करते थे, यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर घटा रहे थे, घटाई का दोनों का चिन्ह तो एक जैसा था, छह को माइनस और दो को माइनस, आठ को माइनस, लेकिन यहाँ गुना कर रहे हैं, ऑफ है। और मैं ये रूल आपको गुना में बता रहा हूँ, इस बात को समझने का प्रयास करो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। छह और दो का मल्टीप्लाई 12, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, मुझे पता है आपको कंफ्यूज, यहाँ का वहां कर रहा है, वहां का यहाँ कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, धैर्य रखो, ठीक। इसके अलावा सब उतार दो, यहाँ तीन है तो तीन उतार दिए, अब सब उतारते चलेंगे। हाँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए, उतारते समय इतना ध्यान रखना, कुछ छूट गया ना, सवाल आपका वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए एक टर्म को सॉल्व किए और सारे सवाल, सारे टर्म को आपको उतारना है, कुछ छूट गया था सवाल वहीं पर गलत हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग का तो नहीं छूटा है ना, ना हम लोग का ना छूटेगा, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे हैं। हाँ जी, इतना भी अपने आप को अच्छे ढंग से देख करके बनाना, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग का ऑफ का काम तो तमाम हो गया, ऑफ के बाद डिवाइड आता, अब हम लोग डिवाइड के पीछे लगेंगे। डिवाइड कहाँ है, लो पेंसिल लो और डिवाइड को इस तरह रख लो, अब हमको इसी का क्रिया करना है, ठीक। बाकी का क्रिया नहीं करना, बाकी सिर्फ आया है यहाँ पर, अच्छा डिवाइड हो रहा है, अच्छा देख लेते हैं, बस वही करने के लिए आया, उसका कोई काम नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पर माइनस सिक्स ऊपर चल जाएगा और बटे टू नीचे आ जाएगा, भाग मेरा बटे में, मैंने बताया हुआ है ना, माइनस सिक्स भाग टू, तो माइनस सिक्स ऊपर भाग, इस तरह हम लोग करते करते ना। हाँ जी, बाकी सबको पहले उतारो, उतार लिए पहले, दो की तरफ गुना है, गुना तीन प्लस बारह, उतार लिए, इस तरफ भी उतारो, यहाँ पर माइनस सिक्स है ना, तो माइनस यहाँ पर दे दो, सेवन का सेवन प्लस का प्लस, सिक्स का सिक्स, कहीं कोई समस्या है नहीं। अगर मान लो भैया आप बोलोगे भैया अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ पर क्या देते, यहाँ पर तो आपको प्लस देना होता, ठीक, फिर प्लस गुना माइनस मिलके फिर माइनस होता, ये पता है आपको। हाँ जी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर लिए माइनस। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एक लास्ट बार, हर एक लाइन को आपको अच्छे ढंग से समझना है, हर एक लाइन को अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि ये माइनस प्लस का झंझट हो रहा है आपके सामने और यही आपको परेशान करेगा, मुझे बिलीव है आपके ऊपर। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस सिक्स है और डिवाइड टू है, तो माइनस सिक्स ऊपर आ गया, लो जो मैंने बताया वही मैं वही सिखाऊंगा, माइनस सिक्स ऊपर आ गया और बटे दो नीचे आ गया, ठीक। अब यहाँ पर कोई सिंबल तो नहीं, माइनस सिक्स ऊपर चले गया, यहाँ प्लस लिख देंगे, इसको समझना है आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल जैसे मैंने बताया वैसे करना है, ठीक। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। अरे भैया जी नहीं समझ पा रहे हो, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक। लो यही माइनस कर देते हैं, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पर माइनस लिख दिए, छह और दो था, छह बटे दो कर दिए, अब बताओ अभी भी कोई समस्या है, लो इसको हटा ही देना, यही तक करना, माइनस का यहाँ आ जाएगा माइनस, छह और दो भाग में आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं, पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो बटे के टर्म में आया उसका सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई हुआ तो ठीक, अगर सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, भिन्न का जोर भिन्न का घटाव वहां पर चलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, दो और छह, हाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, छह बटे दो सिंप्लीफाई करो, क्या छह और दो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया हाँ हो रहा है, दो थी अच्छा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, समस्या है तो नहीं, हर एक टर्म को अच्छे ढंग से देखना है, दो थी अच्छा। अब देखो छह प्लस सेवन, यहाँ पर क्या क्या बचा उसको देखना है, हम लोग कुछ नहीं सिर्फ सिंप्लीफाई किया और लिख लेना, माइनस तीन यहाँ गुना तीन प्लस बारह, देखो कितने आराम से हम लोग चल रहे हैं, हर एक लाइन में माइंड फ्री होके चल रहे हैं, एकदम मस्त मगन चलते फिरो, बस वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, अब क्या करना है, भाग का काम खत्म, अब गुना है, गुना को करेंगे, मतलब इस टर्म को करना है, तीन तिया नौ, चिन्ह क्या दे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस गुना प्लस माइनस, बाकी टर्म को उतार दो, यहाँ प्लस बारह यहाँ सात प्लस छह, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं भैया जी, कोई समस्या नहीं। अब देखो जितना भी प्लस वाला है सबको एक तरफ कर लेना है, छह प्लस सात प्लस बारह माइनस नौ, एक तरफ कर लिए, अब जोड़ वाले को जोड़ के लिख देंगे, तो जोड़ना है, पच्चीस हो गया माइनस नौ हो गया, हाँ जी ठीक, पच्चीस में नौ घटा कितना होगा, सोलह, हाँ जी सोलह हो गया,
कैसे हुआ पता चल गया, ये तो बताना नहीं, ये तो आसानी से आपका हो गया होगा। मेन प्रॉब्लम आपका यहाँ पर हो रहा है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, आपकी समस्याओं को मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपको माइनस प्लस में बहुत सारी समस्या आती है, ठीक है ना। उस समस्याओं को दूर करना होगा, कोई नहीं, वो दूर तभी होगा जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप का मतलब आपका ये क्लियर होते चलेगा। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर कोई नहीं, जहां हो आप वहीं पर रह जाओगे, इतना ध्यान में रखना। अब देखो, अब किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझना है, ठीक। भैया जी क्या क्या बोले कुछ, इसको देखा ना क्या मिट गया, छोड़ो रह दो, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इस पर 5-6 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक। और सोच लो अब क्या होने वाला है, आज ऑफ तक ही रखेंगे, उसके बाद कल देखा जाएगा, क्योंकि आज आपको कुछ दमदार क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, ठीक, कोई नहीं, परेशान मत हो, ला 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 ला। देखो अब यहां पर क्या थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, तो आपको कंफ्यूज कर रहा है और ज्यादा क्वेश्चन। अब यहां पर क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑफ देखेंगे, ऑफ है कहीं पर, हाँ ऑफ है, तो ऑफ की क्रिया कर लेते हैं, पहले इसकी क्रिया कर लेंगे हम लोग, पेंसिल से डिनोट कर दिए किसका काम करना, पहले हम लोग माइंड में रिशेप कर लेंगे, हमको बस इसी पर ध्यान देना है, तो वहां पेंसिल लगा देना है आपको, बस आपको इसी पर ध्यान देना है और इधर इधर ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ यही आपको सॉल्व करना है, इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ वो मैंने बताया ना, वो बस देखने आया है अच्छे से सॉल्व हो रहा है ना, बस वो करने के लिए आया है, बस और कुछ नहीं। ऑफ है, मल्टीप्लाई साथ दिया, इंक्रीज कर दिए, हाँ जी, हाँ माइनस दे या प्लस दे उस पर विचार करना है, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या होगा, सोचो क्या होगा भैया जी, माइनस होगा, कैसे, चिन्ह अलग अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हुआ, ठीक। अब बाकी सबको उतारो और कुछ नहीं करना, हाँ इतना ध्यान में रखना, डिजिट को उतारते समय अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से और कंसंट्रेट करके उतारना है, ठीक, वरना गलती हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक, अच्छे से उतार लेना, इधर नहीं उतार लेना, कहीं कोई समस्या है। अब किसका क्रिया करना है, ऑफ का हो गया, अब डिवाइड देखना है कहाँ कहाँ डिवाइड, डिवाइड कहाँ कहाँ है, अरे यहाँ डिवाइड था ना, यार देखो हम लोग में भी था ना, थोड़ा सा हम लोग का कंसंट्रेशन भंग हुआ, हम लोग डिवाइड को सब्ट्रैक्ट लिख लिए थे, हुआ था ना, वैसा आपके साथ ना, इतना ध्यान में रखना, डिवाइड कहाँ कहाँ है, डिवाइड, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ माइनस आया था ना, हाँ फिर डिवाइड बार उतारोगे ना, हाँ उतारते समय ध्यान में रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक, ये माइनस कैसे, माइनस गुना प्लस तो माइनस आ गया, डिवाइड और बार होगा, उतारते समय डिजिट को उतारते समय अच्छे ढंग से वहां पर आपको कंसंट्रेशन रखना है, ठीक। अब देखो डिवाइड कहाँ कहाँ है, यहाँ है डिवाइड और यहाँ है डिवाइड, डिवाइड में आगे की संख्या मतलब चिन्ह को छोड़ देना, वरना आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, आगे के चिन्ह को मत लेना, ठीक। अब चलो है क्या, डिवाइड को हम लोग पहले बटे में कन्वर्ट करते हैं, तो बटे लिख देंगे, लिख दिए बटे दोनों में, हाँ जी। अब 12 है, 12 को ऊपर 1, माइनस 21 को नीचे, 6 को ऊपर 2 को नीचे, इस माइनस को नहीं लेना, ठीक। अब देखो जो है जैसे उतार दो, इस दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना, कहीं कोई समस्या ही नहीं। इस साइड क्या क्या है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, माइनस 6 फिर माइनस 3, जैसे था वैसे उतार दी, ये लाइन अति महत्वपूर्ण है, अगर समझ रहे हो तो अच्छे ढंग से समझो, वरना काफी काफी प्रॉब्लम करने वाला है। अब देखो अब क्या करना है, अब जो है सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे भैया जी, हम लोग वही करेंगे जो करना है हम लोग को, क्या करना है, अब देखो करना क्या है, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने आता, हाँ जी सिंप्लीफाई करने आता, तो सिंप्लीफाई कर लेना है, 12 है और 21, पता है 12 21 का सिंप्लीफाई क्या होता, हाँ भैया जी पता है, 12 और 21 किसके पहाड़े में आता, भैया जी 3 के पहाड़े में, 3 × 12 3 × 21, 4 और 7 और कटेगा, नहीं कटेगा, हम लोग सिंप्लीफाई सीखे हुए, तो यहाँ 4 और 7 आया, 3 × 12 अच्छे से लिखो, 3 × 21 तो क्या आया, 4/7, नीचे माइनस है ना, माइनस को यहाँ भेज दो, आराम से कर सकते हैं, अगर ऊपर माइनस है तो बाहर निकाल सकते हैं, नीचे माइनस है तो बाहर निकाल सकते, ठीक। यहाँ माइनस तो माइनस, 6/2 का सिंप्लीफाई, 2 × 2 = 3 आ गया, ये तो पता है ना कैसे करते हैं, हाँ भैया सिंप्लीफाई तो पता है आपको, सिंप्लीफाई करने अगर नहीं जान रहे हो तो बड़ी समस्या होने वाली है, ठीक, 2 × 3 = 6, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, अब सिंप्लीफाई करने के बाद जो है जैसे उसको उतार देना, इधर गुना तो गुना, माइनस तो माइनस, 6 × 6 − 3, अब क्या करना है भैया जी, अब यहाँ पर गुना है, अब गुना की क्रिया करनी है, मतलब इसकी गुणती, मतलब इसका क्रिया आपको करना है, ठीक है, तो करो ना, क्या दिक्कत, 6 × 3 = 18, इधर माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होता, ये तो पता होगा, हाँ जी, बाकी सबको उतार दो, भैया जी कितना करवा रहे हैं, अब भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव आ गया, नीचे 1 छिपा हुआ, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, अब ये आप कर सकते हो,
क्या जोर को एक तरफ करना है, जोर को एक तरफ कर लो, तब भिन्न का जोर भिन्न का घटाव करना, वरना आप कंफ्यूज कर जाते हो। 18 को एक तरफ, बाकी सब इधर, अच्छे से करो ना। जोर और घटाव अलग अलग हो गया, यहां बटे एक, यहां बटे एक छिपा हुआ। अब आराम से भिन्न का घटाव छोटा कर सकते हैं हम लोग, एक के बारे में साथ साथ 18 सकते छबिल से माइनस 7, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 27 हो गया। अब आराम से 4 25 माइनस 126 बटे 7 101, ठीक है, बटे 7, ये आपका रिजल्ट आ गया। इतना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चन लेंगे बनाने के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ बनाने के लिए। एक काम करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बनाने का प्रयास करो, तो हम लोग यहाँ पर 42 ले लिए, यहाँ पर 16 ले लिए, इसको आप फिर से बनाओगे। मुझे पता है आपका जहां जहां समस्या आया होगा वो खत्म हो जाएगा अगर आप खुद से प्रयास करोगे। तो वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हम लोग सीखे, बस संख्या चेंज, यहाँ 42 है, यहाँ 16 है। कोशिश करो बनाने का और आपसे बनेगा। और यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन, अच्छा एक दो क्वेश्चन और सीखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना आज भी औचक टेस्ट ही लगा लेंगे 15 क्वेश्चन का, ठीक है। अगर यहाँ देखो इसको हटा दिया जाए क्या भैया, इसको हटाइए, इसी में कर लीजिए ना, यहाँ भाग को हटा करके इधर भाग, भाग इधर ले, इधर गुना कर दीजिए, इधर आप ऑफ कर लीजिए और इसको आप डिवाइड कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है वो समझना है, बस समझना है और कुछ नहीं करना आपको। मेरा काम क्या था, पहला ऑफ की क्रिया करनी, ऑफ कहीं पर है, यहाँ पर ऑफ, ऑफ पूरा लेना है, ठीक, और इसको सॉल्व करो, बाकी सबको भूल जाना है, सिर्फ ऑफ को देखना है। ऑफ में मल्टीप्लाई 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस गुना प्लस, भैया जी क्या होता, माइनस होता, माइनस कर दिए, बाकी सबको उतार देना है, इधर भाग है उतार, माइनस 6 माइनस 16, इधर 7 है, गुना है, माइनस 3 है, फिर डिवाइड है, फिर 42, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद ऑफ का काम खत्म करने के बाद हम लोग डिवाइड की तरफ आएंगे, यहाँ पर डिवाइड, हाँ जी, फिर यहाँ पर डिवाइड, डिवाइड के आगे में अगर माइनस रहेगा तो उसको छोड़ देना, कंफ्यूज नहीं करोगे, इतना मैं बता रहा हूँ। तो पहले इस दोनों को सॉल्व करो, ये डिवाइड करो, तो यहाँ पर माइनस को पहले लिख लेंगे अगर माइनस होगा तो, फिर 12 और यहाँ माइनस 6 तो 12 बटे माइनस 6 लिख लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। अगेन अगेन अगेन, यहाँ पर माइनस 16 इसको भी सॉल्व करो ना, 42 बटे माइनस 3 कर लिए, गुना का गुना, 7 का 7, जो था उसको उतार ली। बताओ ये लाइन अगर समझ में आया तो बिल्कुल आप सही जा रहे, वरना समस्याएं तो है, इतना ध्यान में रखना। अब क्या करना है, इस माइनस को पहले खत्म कर देना। तो हम लोग क्या जानते हैं भैया जी, हम लोग जानते हैं माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, जो ऊपर क्या दिक्कत है, गुना सात, इस माइनस को भी ऊपर भेजेंगे, तो 12 बटे 6 माइनस 16, यहाँ 2 माइनस है, इसको घेर लेना है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, इस माइनस को ऊपर ले सकते हैं। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, और किसी को कुछ नहीं करना है, पहले पहले समस्या को पहले खत्म करना है। हम इस दो लाइन में सिर्फ यही किए हैं, नीचे वाले माइनस को खत्म किए, ठीक है, इस माइनस को ऊपर लेके तो माइनस यहाँ आ गया, इस माइनस को ऊपर लेके तो माइनस यहाँ आ गया, अब यहाँ पर 2 माइनस आ गया, दोनों माइनस मिल करके वो आपस में प्लस हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या भैया जी, भाग खत्म, अब गुना करेंगे, गुना यहाँ पर, फिर गुना करने से पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। भैया जी कितना लंबा जा रहा है, कोई नहीं आप घबराओ मत, पहले सिंप्लीफाई करो, देखो तो 42/3 सिंप्लीफाई हो रहा आपसे, हाँ भैया होगा, 3 × 3 = 12 14/12 सिंप्लीफाई होगा, होगा, सिंप्लीफाई करने में कहीं भी कटौती नहीं करना है आपको। चल यहाँ पर माइनस 14 आया, यहाँ पर प्लस 2 आया, बाकी जो बचा उसको उतार लेना है, यहाँ गुना 7 हुआ, यहाँ पर आपका माइनस 16 बचा, ठीक है। अगेन 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 करना क्या है वो समझना है। अब देखो, अब देखना यहाँ पर गुना है, गुना कर लेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस बाद में करेंगे, घबराना नहीं है, अब गुना कर लेते हैं, 14 × 7 करो क्या होगा, माइनस 98, जो बचा उसको उतार लो, हाँ जी। अब यहाँ पर जो प्लस वाला है उसको एक तरफ, जो माइनस वाला है उसको एक तरफ, यहाँ प्लस वाला 2 है सिर्फ, बाकी सब माइनस वाला है, उसको एक तरफ कर लिए। अब आराम से माइनस वाले को जोड़ना है और प्लस वाले में घटा देना है, क्या इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी, हाँ जी। 2 माइनस 98 और 16 को जोड़ो कितना होगा, 114, हाँ जी 114 होगा ना, 114 ही होगा, फिर घटाएंगे तो 112 हो जाएगा माइनस के फॉर्म में, आराम से आप कर लो, यहाँ से तो आप आराम से कर सकते हो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिक्कत है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक में दिक्कत है वो मैं जान रहा हूँ, कोई नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे। अब हम लोग 15 क्वेश्चन लेंगे, उसको बनाएंगे, बस बनाना है अच्छे ढंग से, ठीक है।
यहाँ ध्यान दो, 15 क्वेश्चन है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम आराम से, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बनाओगे आप, ठीक है, 15 क्वेश्चन बनाओ, ठीक, 15 मार्क्स का है, आराम से 15 क्वेश्चन आपको बनाना है, कहीं कोई समस्याएं आएंगी तो हम है ना घबराना नहीं है, सिलेबस आपको लड़ते रहना है सवाल से, कोई भी सवाल देखिए, कम से कम ये कोई नहीं कहे कि आपने प्रयास नहीं किया, गलती होगा वो बात की बात है, लेकिन कोई ये ना कह पाए कि आपने प्रयास नहीं किया, ठीक है ना, प्रयास करना है आपको, आराम से पहले प्रयास करो, सब बनेगा। हाँ, समस्याएं कहाँ आएंगी, सिर्फ माइनस प्लस में आपका समस्या आ सकता है, बाकी और समस्याएं आपके साथ कभी नहीं आएंगी, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि माइनस प्लस मैं जानता हूँ थोड़ा सा है जिसको समझना होगा, ठीक है, अब वो आपका प्रैक्टिस से ही आप समझ पाओगे, ठीक है, चलो।